वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक विद राशिद हिजाजी और हमारे साथ शरीके गुफ्तगु हैं जनाब जियाउर रहमान साहब और मोहतरमा मरियम अमजद खान साहबा। जियाउर रहमान साहब, आप ये फरमाएं कि ये जो बात है जिसका आपने तवज्जो दिलाई और बड़ी मैं समझता हूँ अहम बात है कि जो आईन पाकिस्तान के तहत ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो कौम के बच्चे और बच्चियों को जेवर तालीम से बहरावर करें और ये जिम्मेदारी मुफ्त भी है और लाजमी भी है कि 16 साल के बच्चों को तालीम देना, बिला मुआवजा तालीम देना, कि उनके वालदेन पर बोझ ना हो, स्टेट ये फर्ज अदा करे और ये लाजमी भी है, मुफ्त भी है। तो इस अहम तरीन आईनी जिम्मेदारी अदा ना करने वाली हुकूमत को आप क्या कहेंगे? देखिये, मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, ये बुनियादी इंसानी हक है और आईनी हक भी वो तो हो गया ना। अब उसकी जो हक तलफी हो रही है, वायलेशन जो हो रही है, उस सिलसिले में आप लोग क्या आवाज उठाएंगे और क्या ये बात नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में कि आईनी हकूक सिर्फ हुक्मरानों के हैं, सिर्फ अरकान पार्लियामेंट के हैं, सिर्फ वजीर आजम और उनके साहबजादों के हैं? क्या आम जो आवाम है, जो खासतौर पर जो आपने बात किया कि लाखों बच्चियां जो जेवर तालीम से महरूम है, 2.5 करोड़ बच्चे जो नहीं जा पाते और जो जिम्मेदारी आईनी है, आईन के तहत कहता हूँ ना कि देखें, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है जिसमें सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की होती है, जिसमें आईनी आईन की सुप्रीमेसी है, आईन की सुप्रीमेसी है, उसके अंदर आईनी हकूक जो है वो टॉप पे होते हैं। हमने ये देखा है और हमने इसके ऊपर काफी काम भी किया है कि पोलिटिकल पार्टीज इसी आईनी हक को और दीगर हकूक को जेहन में रखते हुए अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस बनाते हैं। अब अगर आप जो मौजूदा हुक्मरान हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, कहीं दीगर पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सबका हुक्मरान भी इन सब के पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस उठाकर देखते हैं, हर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर वाज़े अल्फाज में लिखा है कि हम बच्चों और बच्चियों की तालीम के अंदर कोई इम्तियाज नहीं, मतलब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी है और इसके तरीके इंसाफ के भी है, तरीके इंसाफ की सारी पार्टी अपोजिशन की होंगी। ये वो हैं जिसके ऊपर इलेक्शन लड़के आते हैं लेकिन इस पे अमल नहीं करते। आप देखें कि उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, उसके बाद आप बजट की एलोकेशन करते हैं तो वो आप बड़े बड़े मनसूबों के ऊपर करते हैं, आप मेट्रोज के ऊपर एलोकेशन करते हैं, आप उन चीजों आईनी तकाजा नहीं है, जो कि आईनी तकाजा नहीं है, ना आईनी हक है और ना ही आप उसे कह लें कि बुनियादी हक है। ठीक है, बुनियादी हक जो आपने बड़े अच्छे अल्फाज में पहले कहा कि जो जेवर है वो तो तालीम है। सही, ठीक है। तो अब अगर आईनी हक के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अब हमने रिसेंटली स्टडी की है हुकूमत की अपनी कमिटमेंट के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम 2030 तक तमाम बच्चों और बच्चियों को स्कूल में दाखिल करा देंगे, उस पे सिर्फ लड़कियों की तालीम के ऊपर 6.5 ट्रिलियन रुपए खर्च होते हैं 2030 तक। 6.5 ट्रिलियन का मतलब है 6,500 अरब रुपए। ठीक है, अब सालाना जो हम यहाँ पे एलोकेशन करते हैं वो 300-350 अरब, एक सूबा करता है कोई, सारे मिला के भी कोई तकरीबन 1.2 ट्रिलियन करते हैं। ठीक है, तालीम के ऊपर जो हम खर्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर, कहने का मकसद ये है कि हम 6.5 ट्रिलियन सिर्फ लड़कियों के लिए और अगर लड़कों को भी ऐड कर लें तो कोई तकरीबन 13,000 अरब रुपए चाहिए। ये कोई ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर रियासत ये 20,030 तक कितनी जरूरत है? जी जी, 2030 तक जो है वो हमें तकरीबन मतलब लेकिन उसके मुताबिक ये नहीं रख ले, एलोकेट नहीं, एलोकेशन नहीं करते और एलोकेशन अपने वादों के बावजूद। एलोकेशन जो होती है ज्यादातर, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो होता है रेकरिंग कॉस्ट के ऊपर, सैलरीज के ऊपर, टीचरों की तनख्वाहें देनी है, बिजली के बिल देने हैं, ताकि आपको स्कूल का ढांचा जो है वो किसी जगह के ऊपर खड़ा नजर आए, उसमें बच्चे आए ना आए, उसमें उस्ताद हो ना हो, उसमें बिजली हो ना हो, उसके अंदर फर्नीचर हो ना हो, वहां पे बच्चों को सहूलत दीगर मिले ना मिले। अब लड़कियों की जितने स्कूल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, 40% से ज्यादा उन स्कूलों के अंदर वॉशरूम की, लैट्रिन की सहूलत ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रॉब्लम है, बच्चियां हैं, ठीक है, और जाहिर है सेकेंडरी लेवल तक जब वो पहुंचती हैं तो ये मसाइल उनके साथ होते हैं।
और अगर वहां पे सफाई वॉशरूम ही नहीं सुथराई है। का ख्याल नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो क्या हेल्थ और हाइजीन जो है वो होगी, और किस तरीके से जो है वो हमारी बच्चियां, तो बहुत सारे वालदैन जो हैं वो इस वजह से भी बच्चियों को नहीं भेजते। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह सर वो ये है, वो है सिक्योरिटी की। हमने एक स्टडी की, 48% लोगों ने मुजफ्फरगढ़ के अंदर ये बताया कि हम बच्चियों को इस वजह से नहीं भेजते कि गैर महफूज हैं। और ये सिर्फ मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके या राजनपुर जैसे इलाके या बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके या सिंध के इंटीरियर इलाकों की बातें नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहर की बातें हैं। हमारे यहाँ ये CCPO लाहौर जैसे मतलब गलीज जहन के लोग जो हैं वो हर जगह के ऊपर पाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों हमारे ऑफिस के एक नौजवान ऑफिस नहीं आए, हमने पूछा यार खैरियत थी, तो उसने कहा मेरी बच्ची छोटी 5वीं क्लास की स्कूल जा रही थी, तो उसको एक बुजुर्ग ने जो है वो पकड़ के अपनी तरफ ओहो खींचा और उसको हरास कर किया। और वो इतना आज तक सर वो मतलब ये कि वो एक उस कैफियत में है, बच्ची मुसलसल जो है वो परेशान है। तो इसी मतलब इसी ये पॉइंट पर आप क्या कहेंगी? मैं मरियम अमजद खान साहब, आप एक खातून है, खातून होते हैं, लेकिन आते से वैसे तो ये सब हर माँ और बाप का मसला है, मर्द हो या औरत हो, बच्चियां सबके बिल्कुल लिए काबिले तजीम है, काबिले प्यार हैं, मासूम बच्चियां, मासूम कलियां, तो उनको एहसास तहफ्फुज़ कैसे दिलाया जाए? और जैसे कि कहा ज़ियाउर्रहमान साहब ने कि बच्चियों के लिए एहसास तहफ्फुज़ ना होना भी तालीम के हसूले उनके हसूले तालीम में बहुत बड़ी रुकावट है। आप इस पर ज़रा खुलकर बात करें और किस तरह हम बच्चियों को महफूज बना सकते हैं। जी ये बढ़िया, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। अब जो ये वाकयात हम आए दिन सुनते आ रहे हैं ये अभी भी बहुत कम है, जितना हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कहीं ना कहीं से हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं उसके मुकाबले में। अब जो ये एक रीजन है कि बच्चियों को सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, जो बच्चियों के प्राइमरी स्कूल आपको मिलेंगे वो काफी नजदीक मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे ही 5वीं से आपका मिडिल या हाई स्कूल शुरू होता है वो एक खास रेडियस डिस्टेंस में, हो खास डिस्टेंस पर वो स्कूल बनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब स्कूल उनकी रसाई तक ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से अपनी बच्चियों को छोड़ेंगे कि हाँ ठीक है वो वहां पे चली जाए। दूसरी बात ये कि हम सब समझते हैं हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पर तालीम की डिप्रिवेशन बहुत ज्यादा है, और जब हम तालीम नहीं देंगे, ये जो माइंडसेट है, ये जो सोच है, ये जो महफूज खुद को रखने का और एक दूसरे को महफूज बनाने का जो दिलमा हम अभी तक नहीं ठीक कर सके, उसको नहीं सॉल्व कर सके, वो इसी वजह से है कि तालीम नहीं है। आप मुझे बताइए कि हम क्यों तालीम दे दिलवाते हैं बच्चों को, ताकि उनमें शऊर आए, ताकि वो एक बाशऊर शहरी बन सकें, ताकि वो मजबूत बन सकें, ताकि वो ताकतवर बन सकें। लेकिन अगर उसके रास्ते में जाने में ही आपको इतनी ज्यादा मुश्किल का सामना है और आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, और अगर आप वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के वाकयात आपको मिल रहे हैं, तो फिर वो तालीम तो जरूरी नहीं है उन वालिदैन के लिए, वो शोर जरूरी नहीं है उन वालिदैन के वो लिए, तो मसला बन गया वो उनका। बाशऊर रहना जरूरी नहीं है उनके लिए, जरूरी है इज्जत, उनके सही लिए बात, जरूरी है हिफाजत अपनी बिल्कुल सही बच्चियों की, उनके सही लिए जरूरत है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो हम उनकी उनको एक खास तरीके से महफूज रखकर अपनी खास तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारियां पूरी करें। तो जो तहफ्फुज़ देने का एलिमेंट है वो आपका आईन भी देता है, वो आपका आपका कानून में बहुत सारे इस तरह के कवानीन है जो दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कवानीन की नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? क्या इस तरह के लोगों को किसी ना किसी तरह की कन्विक्शन होती है? क्या कितने परसेंट इस तरह के वाकयात हैं जिनको हमने हाईलाइट करके अगर दिखा भी दिया तो नतीजा भी दिखाया उसके साथ या ना दिखाया? क्या हमने सिक्योरिटी की इशू को भी अपनी वजह बनाई या नहीं बनाई कि बच्चियों के लिए अगर स्कूल इतने रेडियस पर होगा, इतने किलोमीटर पर होगा, तो उनकी रसाई नहीं है? हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम 4% का नारा लगाते हैं तालीम के लिए कि 4% GDP का हम अपने मुल्क में लगाएंगे तालीम के ऊपर, लेकिन अगर वो आपको कम, आप कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है तालीम के लिए, तो आप किसी और जगह से, कुछ और मंसूबों से जो तरक्की के मंसूबे आप समझते हैं उनको कट करके थोड़ा सा ज्यादा GDP का परसेंटेज आप बढ़ा दें, और ये 4% परसेंटेज जो है वो आपका हायर एजुकेशन तक जाता है। आपको इससे कहीं ज्यादा पैसा लगाना है अगर आपको कच्ची क्लास से लेके हायर एजुकेशन तक पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना है,
तो 4% जीडीपी का बहुत थोड़ी अमाउंट, और वो भी नहीं मिल रहा, लग तो नहीं, 4% भी नहीं मिल रहा, और वो पूरा 4% भी नहीं मिलता। और जो लग रहा है, जिस तरह ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा कि जो लग रहा है वो किन पे लग रहा है, वो अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो मेरी तनख्वाह पर लग रहा है या स्कूल के बिजली के बिल पर लग रहा है, वो जरूरी नहीं है। क्या क्या गवर्नमेंट ने कोई एनालिसिस किया कि कितने अरसे से हमने टीचर्स की ट्रेनिंग की? क्या हमारे गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का एनालिसिस किया कि खास किस्म की ट्रेनिंग खास किस्म की टीचर्स को चाहिए बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल और एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग शहरी बनाने के लिए किस किस्म की ट्रेनिंग, किस किस्म की चीजें और टेक्नोलॉजी और किस किस्म की जदीद चीजों की जरूरत है हमें? तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, किसी भी पार्टी को आप उठा लें, प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव और जिसको आप कहते हैं कि सबसे इतनी नहीं है, हर पार्टी में आपको मिलेगा। आपको याद होगा कि जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो हम जैसे सिविल सोसाइटी के बहुत सारे इदारों ने ये नारा लगाया, तालीम दोगे तो वोट लोगे। लेकिन उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप अपनी तकरीरों में, आप अपने नारों में यही वाली बातें करते हैं कि इतने बच्चे, इतने करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, इतनी हमारी बच्चियों के ये मसाइल हैं, हम आएंगे तो स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो वो चीजें क्यों बिल्कुल पीछे रह जाती हैं तरजीहात में? ये बड़ी बात की है कि तालीम की जो सब्जेक्ट है इसको हमने नारों के लिए, तकरीरों के लिए तो रखा हुआ है, लेकिन जब अमल की बारी आती है और खास तौर पर जब वोट के जरिए आप एक ताकत हासिल करते हैं और फिर आपका मंशूर लिखा हुआ सामने होता है, वादे आपके जुबानी तकरीरें सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो हुकूमत के आने के बाद सब कुछ बुला दिया जाता है। तो इस सिलसिले में जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी है, जैसे कि मरियम ने बात की कि वो अपना जाहिर किरदार सिर्फ ये तो नहीं कि इलेक्शन के दिन में अदा करना है, तो वाई नाट के बाकी जो 12 महीने हैं, 24 आवर है, जो अहम तरीन इशू है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, तो सिविल सोसाइटी फिर यूँ खामोश क्यों जाती है, क्यों आगे वो काम नहीं करती असर पजी? नतीजा खेस काम करने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर असल में जो सिविक राइट्स के हालात हैं ये आपसे, आप जैसे दानिशवरों से छुपे हुए नहीं है। हमें कितनी बात करने की इजाजत है, आईनी हक पे तो बात हो सकती है, आईनी हक पे भी बात हो सकती है, वैसे भी हमको और याद भी दिलाया जा सकता है, ये आपका मंशूर है, ये आपके वादे हैं, तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे। हमने अपने प्रोग्राम्स के तहत बहुत सारी जगहों पे, खास तौर पे पंजाब में, पार्लियामेंटेरियंस को इस सिलसिले में सेंसिटाइज किया। पार्लियामेंटेरियंस को हमने ये, उन्होंने पार्लियामेंट्री फोरम्स के ऊपर ये सवालात भी उठाए हैं, हुकूमत से पूछा भी है, हमसे वादे वही भी किए गए हैं कि जी हम इस कानून को, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट है 2014, इसको नोटिफाई भी कराएंगे। हमें ये भी कहा जा रहा है कि जी हम मजीद स्कूल खोलेंगे। ये भी आपको अंदाजा होगा कि बच्चियों को इनक्रेज करने के लिए बाकायदा तौर पे वजीफा दिया जाता था पंजाब में, इस हकूमत ने उसको रोक दिया था शुरू में, फिर हमने उसके ऊपर बाकायदा आवाज उठाई, तो अभी ये वजीफा जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है। उसमें काफी तादाद में जनूबी पंजाब के इलाके अंदर जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती उनको जो है वो 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। पहले वो 200 रुपए से शुरू किया गया था, अब वो 1000 रुपए तक चला गया। तो कुछ अच्छे इकदाम हो रहे हैं और सिविल सोसाइटी भी ये जो 1000 रुपए वजीफे की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जनूबी पंजाब तक महदूद है या के बाकी भी इलाकों में दिए जाते हैं? ये ज्यादा जो है वो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, ऐसी जगहों के ऊपर दिया जाता है जहाँ पे लड़कियां ज्यादातर आदाद में स्कूलों में नहीं जाती, और वो सिर्फ जनूबी पंजाब और वो गुर्बत की वजह से नहीं, बाकी भी इलाके के पसमानदा जो इलाके हैं वहाँ पर यही सूरत है। चकवाल में और अटक में भी काफी एरियाज हैं जहाँ पे हमने ये सुना है कि वहाँ उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। आपकी स्टडी क्या कहती है? हमारी जो स्टडी है वो ये कि पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब के अंदर 14 अजला के अंदर उन्होंने ये सिलसिला जो है वो शुरू किया है, और वो अजला है जो लीस्ट डेवलप्ड है, इंतहाई गरीब अजला है। हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमारी डिमांड ये है कि ये 1000 रुपया काफी नहीं। अच्छा, ये गरीब इजरा की बजाय गरीब अफराद क्यों नहीं, जहाँ भी गरीब बंदा रहता है? अब
अब जरूरी तो नहीं है कि मतलब गरीब बंदा जहां भी रहता है सर, उसको मिलनी चाहिए जी। बुनियादी डेफिनेशन यही है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप आपकी जाती सोच है, ये तो हुकूमत ने तरजीह दे दी ना। हाँ, जिस एमएलए एमपी का जोर पड़ा, ज्यादा ताकत है, वो अपने इलाकों के लिए, तो गरीब तो हर बस्ती में रहता है, हर इलाके में रहता है। आप सही कह रहे हैं, बल्कि वहाँ सासे महरूमी ज्यादा है। जो मतलब 12 इलाकों में जो गरीब रह रहे हैं, मसलन जो इस्लामाबाद का गरीब बंदा है, या लाहौर का गरीब बंदा है, या पिंडी का गरीब बंदा है, कराची का गरीब बंदा है, बड़े शहर के जो गरीब, वो तो ज्यादा एहसास है मरूमी का शिकार है। लेकिन देखें, क्योंकि उन्होंने अपना राम रखा हुआ कि बच्चे ना ही पढ़े तो हमारी घरेलू मशक्कत ये करे। हाँ। हमारे वो जो कुछ बुनियादी इंडिकेटर्स होते हैं, देखें स्कूलों की तादाद इस्लाम में कितनी है, उनका घरों से आबादियों से डिस्टेंस कितना है, इन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है। वहां पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, आमदनी क्या है वहाँ के लोगों नहीं, वो तो इलाके की, वो तो इलाके की तफसीस आ गई ना। मैं अफराद के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस पे कोई है आपके ख्याल में कोई? इस पे हुकूमत ने बाकायदा पावर्टी स्कोर कार्ड जो है वो इनिशिएट किया था, और ये उसकी बुनियाद पे ही तय किया गया है कि कौन सी आबादियां ऐसी हैं जहाँ पे ज्यादा गरीब रहते हैं, आइडेंटिफाई किए गए घराने, आइडेंटिफाई किए गए। ये बहुत ही साइंटिफिक मतलब तरीके से इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि ये 1000 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए किया जाए। 1000 रुपए जो है वो कोई ज्यादा बढ़ा। हाँ, एक तो ये डिमांड आपकी 1000 से 3000, तो इसके जिनको 1000 भी नहीं मिल रहा, बात तो ये है उन तक भी पहुंचे, जिनको 1000 भी नहीं मिल रहा। जी जी बिल्कुल, वहां तक तो पहले तो आप वो पूरा करें ना, उफ की तौर पर सब तक पहुंचे, जब तक सब तक पहुंच जाए फिर उसके बाद आप तो उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाएं। तो ये एक पहले तो आप पहले आप क्वांटिटी पूरी करें ना, एक तो ये ज्यादा जरूरी है। दूसरा सर इम्पोर्टेंट ये है कि जो लड़कियों के स्कूलों की तादाद है वो बहुत कम है, वो कम अज कम जो है वो ज्यादा नहीं है, तो लड़कों के स्कूलों की तादाद के बराबर तो हो जाए। अच्छा, अब मौजूद बड़ा हम है, इस पर बातें करते रहेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आखिर में एक बात दोनों अपने पैनलिस्टों से पूछना चाहूंगा, और वो इसलिए पूछना चाहूंगा कि कुछ रियलिटी हमारे सामने ये है कि हम बच्चियों की तालीम पे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मैं एक खुश आइंद पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि जिन बच्चियों ने नामसाद हालात के बावजूद तालीम के मैदान में आई है, उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है, उन्होंने लड़कों से ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई और तालीम के शोबे में उनकी कारकर्दगी नुमाया है। इस पे आप क्या कमेंट्स करेंगे कि रोशन पहलू है जिसमें बात करना चाहिए? ये हमारे माशरे का इंतहाई रोशन पहलू है। आप किसी भी तालीमी इदारे के अंदर चले जाएं, आप जामियात में चले जाएं, आप किसी तरह का भी कंपटीशन कर लें, आपको ये लगेगा कि लड़कियां टॉप पे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हमारे यहाँ सीएसएस के एग्जाम में आपने पिछले दिनों देखा है, ठीक है। आप पहले हुआ करते थे तहसील लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे मुकाबले होते थे, वहां पे भी लड़कियां आगे जा रही हैं। वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा आप ही इस पे जरा ना खुल के बात करें, क्योंकि ये प्राइड है हमारे लिए कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां जो है ना वो एक रोशन मिसाल कायम कर रही है तालीम के मैदान में। जी क्या कहती हैं? बहुत बहुत आपने एक अच्छी पहलू जो है उसको डिस्कस किया है। हमारी बच्चियों में किसी भी किस्म की ना तो इंटेलिजेंस में कमी है और ना ही उनके हौसलों में कमी है, और ये जो प्राउड मोमेंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी चीज की ही हमें उसको बावर करवा रहा है कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज और दी जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर और किया जाए, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन हमारे ऊपर, और वो जो एक विलिंगनेस है, चाहे वो हुकूमतों की हो, रियासतों की हो, आसपास रहने वालों की हो, रिश्तेदारों की हो, बहन भाइयों की हो, वो थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ी सी भी और करेंगे और अपनी बेटियों को इस चीज का एहसास दिलाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आगे पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की में तुम एक अहम किरदार अदा कर सको, तो उसके लिए हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जबकि पाकिस्तान, जिस तरह से अभी हम कहते हैं कि पहले 5 जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उसके अंदर हमारा नाम आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चियां पढ़ी लिखी हैं उसमें हमारा नाम आता है। तो ये बहुत जरूरी है और हर लेवल पर हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी इसके। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बातें हुई हैं, मसाइल भी बयान हुए हैं, अपने मसाइल भी डिस्कस की हैं, लेकिन रोशन पहलू ये उभर कर सामने आया है, और मैं इस पर फख्र करता हूँ एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, कि मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें जब उनको मौका मिलता है सोसाइटी में आगे बढ़ने का और तालीम के मैदान में ख़ास तौर पर, तो क्या एक रोशनी भी कर रही है, और वो रोशनी उम्मीद की रोशनी है।
वो रोशनी ऐसी है जिसमें हम जगमगाता हुआ पाकिस्तान देख रहे हैं, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान देख रहे हैं। और पढ़ा लिखा पाकिस्तान उसी वक्त मुमकिन होगा जब एक पढ़ी लिखी माँ की गोद से वो इल्म का गहवारा फूटेगा। और एक मुझे मुफक्कर का कौल याद आ रहा है, उसने ये कहा था कि मैं वही कुछ लहद में लेकर जाऊंगा जो मुझे महद से मिला है, यानी पंगूड़े से जो मिला है वही कब्र में ले। और पंगूड़ा किसके हाथ में होता है? माँ की गोद में होता है। माँ की गोद जो होती है ना वही अलवारे देती है। और वहां से जब इल्म की शुआएं, इल्म की किरणें फूटेंगी तो कैसे मुमकिन है कि मेरा मुल्क जाहिल रहे, जहालत के अंधेरे भागेंगे। लेकिन हमें बच्चियों की तालीम की तरफ प्रायोरिटी से तवज्जो देनी होगी, अपनी बेटियों को हौसला देना होगा, उनको तहफ्फुज देना होगा। ये तहफ्फुज हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। आइए मिलजुल कर अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तहफ्फुज का एहसास दिलाएं। और तहफ्फुज का एहसास हमारा फ़र्ज है, उन पर एहसान नहीं है। अल्लाह करे कि जैसे कि मेरे पैनलिस्टों ने कहा कि हर हुकूमत, मैं तख़सीस के साथ बात नहीं कर रहा, इमूमी बात कर रहा हूँ कि हर हुकूमत जो यहाँ पर हुक्मरान रही है, हुक्मरान है, उसके वादों में, उसके मंशूर में ये तालीम एक प्रायोरिटी है। लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो ये प्रायोरिटी कहीं गुम हो जाती है। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, हमारे पैनलिस्टों का भी यही कहना है कि हुक्मरान हुकूमत के आने के बाद भी अपने इस आइनी फ़र्ज को याद रखें, सिर्फ याद ही ना रखें, उस पर अमल करें। अमल इसलिए करें कि इसी से हमारे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अपने मुल्क के मुस्तकबिल से खेलें नहीं, इसको संवारें। मैं अपने पैनलिस्टों जनाब ज़ियाउर रहमान साहब और मोहतरमा मरियम अमजद खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और नाज़रीन आपका भी अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। राशिद हिजाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।